पुना ट्रायल में ही धसी बटेश्वर गंगा पंप नहर। एनटीपीसी के आवासीय परिसर में फैला पानी, लोगों में मचा हड़कंप। बटेश्वर गंगा पंप नहर एक बार पुनः एनटीपीसी के आवासीय परिसर स्थित राजेंद्र भवन के समीप ट्रायल के दौरान धस गई, जिससे एनटीपीसी के टीटीएस में पानी फैल गया। साथ ही लोगों को आने जाने में खासी परेशानी हो रही है। घटना सोमवार की संध्या लगभग 5 बजे की बताई जा रही है। नहर में पानी के दबाव कम करने के लिए जल संसाधन विभाग के अभियंताओं ने लालपुर के पास बने ब्रांच कैनाल में पानी को खोला, लेकिन बेहद घटिया तरीके से बने ब्रांच कैनाल भी पानी का दबाव नहीं सह पाया और वो भी धस गया। जल संसाधन विभाग के सूत्रों ने बताया कि सोमवार को दिन के लगभग 1 बजे गंगा से पानी नहर में छोड़ा गया। पंप हाउस 2 के पास से पानी 3 बजे छोड़ा गया। पानी का दबाव बढ़ते ही एनटीपीसी के राजेंद्र भवन के समीप नहर के निचले हिस्से में छेद हो गया और पानी बहने लगा, जो देखते ही देखते लगभग 5 फीट लंबा चौड़ा हो गया। जल संसाधन विभाग की टीम अपने मजदूरों व संसाधन के साथ उक्त भंसान को बंद करने के लिए प्रयास किया, पर वो और भी बढ़ता गया। इसके बाद इंजीनियर्स की टीम ने नहर से पानी का दबाव कम करने के लिए लालपुर के पास के सुलीज गेट को ब्रांच कैनाल की ओर खोल दिया। पानी फैलते ही लोगों में हड़कंप मच गया। एनटीपीसी के टीटीएस आवासीय परिसर में नहर के लीकेज होने के साथ ही पानी फैलना प्रारंभ हुआ, जिसको लेकर आवासीय परिसर के लोगों में अफरा तफरी मच गई। सभी लोग अपने अपने घरों से निकलकर नहर की ओर दौड़े। वहीं महिलाएं अपने अपने घरों के सामानों को सुरक्षित स्थान पर रखने का प्रयास करने लगी। थोड़ी ही देर में सीआईएसएफ की टीम भी घटनास्थल यानी भसान वाले स्थान पर पहुंचकर धसान का जायजा लिया, साथ ही आवासीय परिसर के लोगों को सही जानकारी दी। लगभग 1 घंटे के बाद लोगों ने पानी ज्यादा नहीं देखा, राहत की सांस ली। जल संसाधन विभाग के अधीक्षण अभियंता राजीव कुमार ने बताया कि ट्रायल के दौरान सोमवार की संध्या एनटीपीसी के समीप ये लीकेज हुआ। नहर में कम पानी छोड़कर ट्रायल लिया जा रहा है। 28 जून को भी ट्रायल लिया गया था, जिसमें मिले लीकेज को ठीक कर पुनः उसे रिपेयर कराकर ट्रायल लिया गया है, जिसमें लीकेज हुआ है।